आयशा अपने बेटे के सर पे सेहरा नहीं देखना। वो तो ठीक है, लेकिन हफ्सा की, ओफो वही मुर्गे की एक टांग। हफ्सा की शादी का तो दूर दूर तक पता नहीं है, क्या सुफियान को भी बूढ़ा करोगी? अल्लाह ना करे अम्मी, और वैसे भी अल्लाह ने उसके लिए कोई ना कोई तो जोड़ बना के रखा होगा ना। यही, बिल्कुल यही तो मैं कहना चाह रही थी। अल्लाह ने हर एक का जोड़ा बनाया है। हद यह है कि तबले तक की नर और मादा की जोड़ी होती है। मगर बेटा कुछ तो हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। अरे अम्मी आप भी, हमें तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, अपने इरफान की बेटी सारा। अम्मी सारा क्यों, इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है? आंखें उगली पड़ रही हैं तुम्हारी, लेकिन अब आखिरी बार कह रही हूं कि सुफियान की शादी उसके ताया के घर में ही होगी, बस। ये मोहब्बत करने वाले हर वक्त चांद और फूलों की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि फूल की खुशबू और चांद की चांदनी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम है। ये कहीं दिखाई नहीं देती। शादी करोगी मुझसे? What? इतनी सस्ती रोमांटिक स्पीच देके आपको लगा शादी के लिए कन्विंस कर लेंगे मुझे? आज हमारा चाइल्ड बहुत खुश है, कोई खास बात है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी तुम्हारा मामी है। मम्मी वो सुफियान ने मुझे प्रपोज किया। छोड़ो। क्या दिखनी ना, मैं देख रहा हूँ, मुझे ये चैनल नहीं देखना। इधर तो, लेकिन मुझे तो देखना है ना। ओए स्टडी की है तुमने? उठो जाओ, जाके पढ़ाई करो, जाओ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने सारी स्टडी कंप्लीट कर ली है, और इस वक्त मैं आराम से अपना शो एंजॉय कर रहा हूँ। अरे तुम सबका जोर सिर्फ डैनी पे चलता है, जो चाहो करो। सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ, मुझे कुछ भी करने से पहले तुम सबकी परमिशन लेनी पड़ती है, और तुम ना जो चाहो करो, कोई पूछने वाला नहीं है इस घर में। सबको जानती हूँ मैं, मेरे खिलाफ हो गए हो सब, पता है मुझे।